अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी खीमा चने की दाल। ये सभी को बहुत पसंद आती है। खीमा दाल बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 2 इलायची। इसमें अब मैं डालूंगी 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए। प्याज को हमें लाल करना है। प्याज हमारी लाल होते आई है, इसे हमें और थोड़ा सा लाल करना है। प्याज लाल हो चुकी है, अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 किलो खीमा। खीमा मैंने हाथ का ली हूँ, आप चाहे तो मशीन का भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। खीमे के पानी को मैं अच्छे से सुखा लूंगी। खीमे का पानी सूखने के बाद ही हम इसमें मसाला डालेंगे। खीमे का पानी सूख चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तीन छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर। दो चम्मच धनिया पाउडर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी 3 कटे हुए टमाटर। टमाटर और मसाले को मैं अच्छे से भून लूंगी। मसाला अच्छे से भून चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम चने की दाल। इसको मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगा के रखी थी। इसमें अभी मैं 1 गिलास पानी डालूंगी। नमक डालूंगी स्वाद के हिसाब से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसको ढक्कन ढककर मैं 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे।
दाल आधी गल चुकी है, आधी बाकी है। इसे हम बारीक गैस पे और 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। दाल गल चुकी है, अभी मैं इसमें डालूंगी 2 कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी कोथमीर, और मिक्स करके गैस को मैं बंद कर दूंगी। माशाल्लाह खीमा दाल तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना खीमा दाल कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।